रोटरी धून विकास के तत्वावधान में त्रिशला देवी जैन धर्मशाला में सामूहिक विवाहोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 10 नवयुगल जोड़े दाम्पत्य बंधन में बंधे। सामूहिक विवाहोत्सव में समस्त मांगलिक कार्य वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पंडित रामचंद्र पैन्यूली के मार्गदर्शन में 10 अन्य पुरोहितों ने कराए। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि श्री शनिधाम तीर्थ स्थल के पीठाधीश्वर डॉक्टर विनायक बड़ोनी एवं श्रीमती रूपा शर्मा शामिल हुए। उन्होंने युगल जोड़ों को उपहार प्रदान कर आशीर्वाद दिया। इस दौरान रोटरी दून विकास क्लब की ओर से नवयुगलों को डबल बेड, बिस्तर, अलमारी, सूटकेस, वस्त्र, बर्तन, ज्वेलरी, कूलर आदि उपहार भेंट किए। मंच का संचालन पूर्व उपमंडल अध्यक्ष प्रदीप पोत्रा ने किया। इस मौके पर सचिव अमित अग्रवाल, कोषाध्यक्ष दीपक मित्तल, कार्यक्रम संयोजक अजय धमीजा, अरुण मित्तल, संजय अग्रवाल, सतीश जयसवाल, डॉक्टर दिनेश भंडारी, अनिल जैन, नितिश अरोड़ा, ललित गुप्ता, ममता अग्रवाल, सुमन भारद्वाज, सनत जयसवाल आदि समस्त सहयोगी संस्था के सदस्य मौजूद रहे। मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहूँगा, हम पिछले 25 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हर बार दो तीन शादी, इस बार हमने बहुत कोशिश से 10 जोड़ों की शादियाँ कराई हैं। हमारा सब यही है कि जो भी गरीब तबके के परिवार हैं, हम इनके लिए जितनी कोशिश से मदद कर सकते हैं, आगे भी हम ये सब करते रहेंगे। रोटरी दून परिवार और मैं रोटरी अध्यक्ष रोहित गुप्ता हमेशा से इन सबके लिए तत्पर रहूँगा। और आप, हमने जो एक युगल को शुरू कर एक अपना पारिवारिक जीवन शुरू करने के लिए होता है, मैंने उसका हमने उनको सारा सामान दिया है। हमने उसके लिए उनको किचन का सारा सामान दिया है, बेड दिया है, अलमारी दी है, वो मशीन दी है, किचन के लिए सब कुछ दिया है, जिससे वो अपना जीवन शुरू कर सके। समाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में आपस में एक दूसरे को जोड़ने के लिए इस तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए। और रोटरी क्लब का एक इतिहास रहा है, विगत वर्षों से वो इस कार्य में लगे हैं और जीवन में जो लोग इस तरीके से अपने विवाह कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाते, उन सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा रास्ता इन लोगों ने दिखाया है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अब ये ऐसा नहीं है कि लोग अलग होते जा रहे हैं, एक्चुअली पिछले 20-21 दशकों में हम लोगों ने परिवारों को आइसोलेट कर दिया है। हम लोगों ने अपने परिवार को एक एक बच्चा हमने पैदा किया और आने वाले दौर में तो आप ये भी देखेंगे कि आप ताऊ का रिश्ता खो देंगे, चाचा का रिश्ता खो देंगे, बुआ का रिश्ता खो देंगे, मौसी का रिश्ता खो देंगे, तो संयुक्त परिवार की परिकल्पना जो है वो ख़राब होती जा रही है। और ये आइसोलेशन में जो समाज जा रहा है और जो एक एक बच्चा पैदा करने की जो प्रवृत्ति पैदा हो गई है, उससे ये विसंगतियाँ पैदा हो रही हैं। अब एक बच्चा है, नौकरी में जाएगा, माँ बाप की सेवा करेगा, क्या करेगा? मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती जा रही है। इसलिए मेरा केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक संतुलित परिवार होना चाहिए ताकि बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी जो है कुछ लोग रहें, परिवार संयुक्त रहें। संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट ही इसका एकमात्र बचाव है। क्लब से हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती सीमा रोहिता जी, उनके सानिध्य में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसकी हमें बहुत ही खुशी है। यहाँ देखिए 10 सामूहिक जोड़ों का सामूहिक विवाह हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हमारे क्लब की तरफ से हम लोग इस तरह की गतिविधियाँ करते रहते हैं, सामाजिक कार्य हम लोग करते रहते हैं, तो जितना भी हम लोग कर सकते थे हमारी तरफ से हमने अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया है। और आगे भी हमारा यही एक मोटिव है कि हम आगे से आगे और अच्छा से अच्छा करते हैं। गरीब कन्याएं, जो लोग जिन लोगों के पास इतनी पर्याप्त धनराशि नहीं होती कि अपने बच्चियों का विवाह एक अच्छे स्तर पे कर सके, उनका हम सामूहिक विवाह यहाँ पर।